हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन ए फ्रेश वीडियो ऑफ सोल्स डिज़ायर हमने अपने पिछले वीडियो में जो हमारा चैप्टर थ्री था क्लासिफिकेशन और ओल्ड मैन आउट का जितने भी टाइप इस बुक में मेंशन है वो सारे देख लिए थे आई होप जो वो वीडियो है आपको समझ में आया होगा और यदि उस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो आपसे बन जाएगा इस वीडियो में हम अपने अगले लेसन में मूव करेंगे हमारा अगला लेसन है चैप्टर नंबर फोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप सभी को पता होगा ये बेसिक ही है कि अंग्रेजी में जो होते हैं वो छब्बीस लेटर होते हैं जिनमें ए से जेड तक के सारे लेटर आते हैं जिनमें जो पहला स्थान होता है वह ए का होता है और जो छब्बीसवा स्थान होता है वो जेड का होता है पर इस को इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना नॉलेज काफ़ी नहीं है इसके अलावा भी हमें कुछ अन्य जानकारी ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए तो सबसे पहले जो अंग्रेजी में भोयल लेटर होते हैं फाइव होते हैं ए ई आई ओ यू और जो सेस होते हैं ट्वेंटी वन वो कॉन्सोनेंट वन्ट होते हैं फिर यदि क्वेश्चन में कहीं ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम तो आपको ए से मूव करते हुए जेड की ओर जाना है और सबका जो होता है एक अलग अलग रोल नंबर होता है जिसे क्लास में हर स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होता है वैसे ही ए का रोल नंबर हम लोग वन के रूप में ले सकते हैं यानी नंबरिंग सिस्टम अगर करेंगे तो ए का पहला स्थान आएगा बी का दूसरा सी का तीसरा तो ये हो जाता है अंग्रेजी वर्ण क्रम और दूसरा में अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम मतलब ए से स्टार्ट नहीं करना है जेड से स्टार्ट करना है और जेड फिर वाई फिर डब्ल्यू एक्स करते हुए हम लोग को ए तक आना है तो ये हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में जो होते हैं वो ट्वेंटी सिक्स लेटर होते हैं तो अगर हम पहले हाफ़ में देखेंगे तो ए से लेकर एम तक के नंबर जो जो लेटर होते हैं अल्फाबेट होते हैं वह प्रथम हाफ़ में आते हैं मतलब प्रथम अध्यांश में आते हैं और जो शेष है वो द्वितीय अध्यांश में आते हैं एन से लेकर जेड तक इसके साथ साथ जो विपरीत अक्षर होते हैं उनका भी ज़रूरत हमें पड़ेगा मैंने आप लोग को फर्स्ट लेसन में ही बताया है विपरीत जो लेटर हैं उनको कैसे याद किया जाता है विपरीत लेटर मतलब ए का जेड बी का वाई सेम इसी प्रकार से एल का ओ भी का ई e, तो ये एक ट्रिक भी बताया था तो विपरीत लेटर का भी हम लोग को इसमें ज़रूरत पड़ेगा और साथ ही साथ अक्षरों का जो दाया और बायाँ होता हुए बेसिकली अक्षरों का दाया बाया नहीं होता है हमारा जिस तरफ हम लोग बैठे हैं उसका जो दाया होता है वही सेम दाया अक्षर के लिए भी होगा और सेम बायां जो होगा लेटर के लिए भी होगा मतलब यदि हम ए से जेड की ओर जा रहे हैं मतलब कि हम लोग अपना दायाँ हाथ की ओर जा रहे हैं तो ये हम लोग बोलेंगे हम लोग दाएं और जा रहे हैं अगर सेम वे में उसी प्रकार लिखा हुआ है मतलब वर्णमाला के क्रम में लिखा हुआ है और हम लोग जेड से ए की ओर आ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे हम लोग बाएँ जबकि जो अंग्रेजी वर्णमाला है यदि हम उसका विपरीत क्रम में सजा दें और जेड से ए की ओर जाएं तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग दाएं ओर जा रहे हैं अगर वहीं ए से जेड की ओर आए तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बाएं ओर आ रहे हैं आइए कुछ और इम्पोर्टेंस चीज़ देख लेते हैं यदि आपके बाएं से क्वेश्चन में यदि आपको कहा जाए आपके बाएं से इसका मतलब होगा कि आपके बाएँ से दाएँ और हम लोग को जाना है मतलब आपको बाएं से बोल रहा है मतलब आपका बाया किधर हो गया ए हो गया ए से आपको जेड की ओर जाना है जेड आपका दाया हो रहा है ए बाया हो रहा है अगर हम लोग एक लाइन में लिखेंगे तो आपके जो बाएं साइड है वो ए आएगा और जेड सबसे लास्ट में आएगा मतलब दाएं साइड तो यदि क्वेश्चन में आपको बोला कि आपके बाएँ से मतलब आपको बाएँ से दाएँ जाना है और इसके ठीक अगर उल्टा आपको बोले आपके दाएँ से तो आपको दाएं से बाएं जाना है मतलब जेड से ए की ओर जाना है यदि यह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो फिर यदि आपको बोला जाए कि आपके बाएं ओर क्वेश्चन में बोला जाए आपके बाएं ओर से तीसरे स्थान में कौन सा नंबर है तो आपको दाएं से बाएं जाना है मतलब जेड से ए की ओर जाना है और यह क्रम में रहेगा तो ए से जेड की ओर रहेगा तो अगर इसको विपरीत कर देंगे तो यह भी उल्टा हो जाएगा और सेम वे में यदि दाएँ ओर से कहा जाए तो आपको बाएँ से दाएँ जाना है मतलब ए से जेड या और ये सब उस केस में लागू होते हैं जब जो लेटर है वो वर्ण वाला के क्रम में लिखा हुआ है जिसमें ए का पहला स्थान आएगा और जेड का लास्ट स्थान आएगा ट्वेंटी सिक्स नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपको बोला जाए कि आपके बाएं से मतलब आपका बाया किधर हो गया जैसे ए को हम मेरा इधर जो ये हैंड हो गया ये मेरा बाया हाथ हो गया और ये हमारा राइट हैंड हो गया मतलब दाया हाथ तो मेरा बाया हाथ ए है और जो मेरा दाहिना हाथ है वो इधर हो जाएगा इधर जे है अभी यहाँ पर जे तो हम लोग को बोला जाए दाएँ से तो हम लोग को दाएँ से मतलब इधर से इधर जाना है मतलब जे से आई एच जी एफ ई और वहीं अगर हम लोग को बाएं से बोला जाए तो हम लोग ए से इधर बढ़ेंगे एक से इधर बढ़ेंगे मतलब एक के बाद बी सी डी ई यदि हम लोग को बोला जाए जैसे कि हम लोग का बाया से चौथा स्थान में कौन सा अल्फाबेट आएगा तो हम लोग ए से ए से काउंट करेंगे अभी हम लोग क्रम में देख रहे हैं सेम क्रम में ऑर्डर में जो अंग्रेजी वर्न वाला में आता है तो ये ए का पहला हो जाएगा बी का दूसरा सी का तीसरा और डी का चौथा चो, यदि इसी को बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से चौथा नंबर पर कौन सा लेटर आता है तो हम लोग सबसे लास्ट में चल जाएंगे और बाएं ओर जाएंगे मतलब ये हमारा सबसे लास्ट मतलब ये हमारा दाया हो गया तो इससे चौथे स्थान पर कौन सा है वाई एक्स डब्ल्यू एक दो तीन चार ये वन हो जाएगा ये टू हो जाएगा थ्री ये फोर तो ये हो जाएगा यदि हम लोग को कहा जाए कि दाहिने ओर से चौथा अस्था स्थान में कौन सा लेटर आता है तो डबल्यू हो जाएगा फिर देखिए सेम में अगर उल्टा उल्टा विपरीत क्रम में बोला गया है तो विपरीत क्रम में हमारा जो बाया से चौथा लेटर कौन होगा तो हम लोग जेड से काउंट करेंगे अभी हम लोग को जब बाया बोला गया था तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम लोग ए से काउंट करेंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बोला जाए तो बाएँ से तो हम लोग जेड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे जेड वन हो जाएगा फिर वाई टू हो जाएगा फिर एक्स थ्री और डबल्यू फोर हो जाएगा तो चौथे स्थान में कौन आएगा डबल्यू और यदि विपरीत क्रम में हम लोग को बाएं बाएं तो हो गया दाएं से बोला जाए तो हम लोग ए से काउंट करेंगे ए को पहला मानेंगे बी को दूसरा मानेंगे सी को तीसरा और डी को चौथा मानेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर डी चौथा नंबर पे कौन सा लेटर आता है आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा आइए हम लोग उदाहरण एक देखते हैं उदाहरण एक में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक बाई ओर कौन सा अक्षर होगा तो देखिए हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में जी के बाई ओर तो मैंने बोला है कि हमारा जी ये हो गया तो हमारा बायां क्या हो जाएगा लेटर का बायां जो हमारा बायां है वही लेटर का भी बायां हो जाएगा तो इधर तो हम मेरा राइट हैंड है इधर तो और इधर क्या है इधर मेरा लेफ्ट ले... लेफ्ट हैंड है यदि हम यहाँ पर खड़ा हो जाए तो मेरा राइट इधर होगा मेरा लेफ्ट इधर होगा तो जो लेफ़्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बाया तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक बाई बायोर मतलब इसके बगल में बाएं और कौन सा लेटर है तो लेटर क्या है एफ है जी के बाई और अगर हम लोग को दाएं और बोलता तो एच एच हो जाता तो बाएं और हमारा क्या है एफ है तो हमारा जो ये फोर्थ नंबर है ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर टू अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच के ठीक दाई और कौन सा अक्षर है तो देखिए इसमें हम लोग को क्या बोला है दाई और बोला है तो हम लोग क्या एच बोला है एच को मार्क कर लेंगे एच में हम लोग खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हमारा दाया और बाया किधर हो जाएगा जो इधर हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा और इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा तो हम लोगों क्वेश्चन में दाएं और बोला है ठीक दाए और मतलब इधर जस्ट एच के बाद क्या है आई है तो आई हमारा आंसर हो जाएगा देखते हैं ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थ्री ये आई ये हमारा आंसर हो जाएगा आगे देखिए हमारा उदाहरण नंबर थ्री अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक बाई और कौन सा अक्षर होगा तो हम लोग को क्या बोला है अभी विपरीत क्रम बोला है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम नहीं बोला है या यहाँ पर ठीक रूप से मेंशन किया हुआ है कि हम लोग को विपरीत क्रम में ही जाना है तो हम लोग क्या करेंगे जेड को पहला मानेंगे अब देखिए हम लोग को क्या बोला है एस और एस के हम लोग को क्या बाई और देखना है ठीक बाई और तो एस को हम लोग देख लेंगे पहले हम लोग विपरीत क्रम में लेटर लिख लेंगे फिर देखेंगे एस एस यहाँ पर है तो एस हम लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे और हमारा दाया इधर हो जाएगा और हमारा जो बाया है इधर हो जाएगा तो हमारे ठीक दाएँ और क्या है आर है और ठीक बाई और क्या है टी है तो क्वेश्चन में यदि हम लोग को दाएँ और बोला बोला है क्या है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा आर यदि बाएँ और बोला है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा टी आइए देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन में बोला है ठीक तो बाईं और तो हमारा जो आंसर है वो आर हो जाएगा ठीक बाई और बोला है तो आंसर आर नहीं होगा हमारा जो आंसर है वो टी हो जाएगा क्योंकि हम लोग को बाई और जाना है हम लोग को लेफ्ट और जाना है अगर राइट और जाते तो हमारा जो आंसर है वो आर होता परंतु लेफ्ट और जाना है बाई और जाना है तो हमारा जो आंसर है वो टी हो जाएगा देखिए लेफ्ट और क्या है टी है यदि विपरीत क्रम में सजाया जाए तो एस से लेफ्ट और क्या है टी है यदि इसी को अगर अंग्रेजी वर्ण वाला के क्रम में सजाया जाता तो एस के बाई और क्या होता आर होता लेकिन हम लोग को विपरीत क्रम में बोला गया है तो उल्टा हो जाएगा एस के बाई और टी आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर फिर आगे देखिए हमारा उदाहरण नंबर फोर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर पी के ठीक दाई और कौन सा अक्षर होगा हम लोग को क्या बोला है विपरीत क्रम में बोला है मतलब हम लोग जेड को पहला मानेंगे और ए को सबसे लास्ट में मानेंगे तो हम लोग को क्या बोला है पी के ठीक दाई और मतलब हम लोग को दाएँ और जाना है देखिए विपरीत वर्णमाला है ये हम पी ये है भी यहां पर खड़े हो गए ये हमारा राइट हो गया ये हमारा लेफ्ट हो गया तो जो हमारा राइट है वही इसका भी राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट ही होगा तो हम लोग को क्या बोला है हम लोग को दाहिने और बोला है तो हम लोग अपने राइट हैंड की ओर जाएंगे तो क्या है ओ है तो हमारा जो आंसर है वो ओ हो जाएगा देखिए ओ फर्स्ट ऑप्शन में ही ओ है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर फाइव अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवें अक्षर के दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा ये और है और नहीं है दाएं और पांचवा अक्षर कौन सा होगा तो हम लोग को क्या बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब विपरीत क्रम में नहीं बोला है तो हम लोग ए से ही स्टार्ट करेंगे और हम लोग बाएं और से सातवें अक्षर के दाएं और पांचवा अक्षर कौन है तो हम लोग को सबसे पहले बाएं और से सातवाँ अक्षर कौन सा है वो ज्ञात करना होगा फिर जो अक्षर आएगा उसका दायाँ और पाँचवा अक्षर कौन है हम लोग को ये बताना है आइए इसका आंसर देखते हैं देखिए है। हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोग को क्वेश्चन में बोला है बाएं से मतलब ये हमारा बाया हो जाएगा बाएं से मतलब हम लोग बाएं से दाहिना ओर जाएंगे तो सातवां स्थान में कौन सा लेटर है लेटर जी है फिर उसके बाद बोला है उसका जो दाहिना है उसमें पाँचवा लेटर कौन सा है तो ये जी तक तो सातवा गया अब इससे हम लोग जो है वो पाँच आगे जाएंगे तो देखिए ये पहला हो जाएगा दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवाँ तो ये जो एल है हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए आप लोग ट्रिक देख सकते हैं हम लोग को क्या बोला है दाएँ से बोला है मतलब दाएँ से सात हो जाएगा फिर उसके बाद दाइना तो हम लोग को फिर से आगे ही जाना है कितना आगे जाना है पाँच आगे जाना है तो हम लोग सात और पाँच को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सात और पाँच बारह तो बारह स्थान में कौन सा लेटर आता है लेटर एल तो जो लेटर एल है ऑप्शन में देखिए नंबर एक में है ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ये क्वेश्चन है इसमें कुछ घुमा दिया है देखिए पहले बोला है कि आपके बाएं से सातवें अक्षर मतलब आपको दाएं ही जाना है बाएं से मतलब क्या ए से स्टार्ट करके आप लोग जेड की ओर जाएंगे फिर क्या बोला है अक्षर के दाएं और मतलब जो अक्षर आ रहा है उसके ठीक दाएं ओर जाना है तो उसके में भी हम लोग को क्या उधर आगे ही जाना हो रहा है ए बी सी डी एफ डी उसके आगे ही जाना पड़ रहा है जेड की ओर तो उसका भी दाएं हो गया मतलब दाएं और ही हम लोग को जाना है परंतु फर्स्ट में बोला गया है आपके बाएं उसके बाद सेकंड में क्या बोला है अक्षर के दाएं तो बस ये दोनों को जोड़ देना है सात और पाँच यहाँ बारह हो जाएगा और बारहवें नंबर पर जो आता है वो एल आता है ये यूनिक सा ट्रिक है अगर आप लोग को यहाँ दाएँ दिए रहता तो सात में हम लोग पाँच माइनस कर देते तो सात में पाँच माइनस करते दो हो जाता तो सेकेंड नंबर पर हमारा जो आंसर है वो बी आंसर हो जाता परंतु यहाँ दाएँ और बोला है तो सात और पाँच को जोड़ेंगे बारह हो जाएगा और बारहवें स्थान पे लेटर एल आता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर देखिए हमारा अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर सिक्स अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से ग्यारहवें अक्षर के बाएं और आठवां अक्षर कौन सा होगा देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे पहले बोला है हम लोग को दाएं से मतलब हम लोग को क्या होगा हम लोग दाएँ से मतलब इधर तो हमारा बाएं से हो गया तो हम लोग दाएं से मतलब इधर से जाएंगे इधर से हम लोग को बोला है पहले ग्यारहवें स्थान तो हम लोग पहले देख लेते हैं इधर से ग्यारहवें स्थान में कौन सा लेटर आ रहा है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह तो लेटर पी जो आ रहा है हम लोग का दाएं से ग्यारहवां स्थान पे आ रहा है उसके बाद क्वेश्चन में बोला है अक्षर जो भी अक्षर आ रहा है के बाएं और आठवां अक्षर कौन सा है देखिए हम लोग शुरू से ही बाया जा रहे हैं और हम लोग को फिर से बाया बोला गया है तो पहले हम लोग कितना गए ग्यारह गए फिर आठ गए तो ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा उन्नीस तो जो हम लोग होता है अगर जेड को वन मानेंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो उन्नीसवां स्थान में कौन सा लेटर आ जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा देखिए जो पी है इसके बाद हम लोग को आठ और बाएं और जाना है क्वेश्चन में क्या बोला है बाएं और जाना है तो इस ये राइट हो जाएगा ये लेफ़्ट हो जाएगा तो हमारा लेफ्ट भी जो लेटर है उसका लेफ्ट होगा तो बाएं और देखिए पी के बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ क्या आ रहा है आठवें स्थान पर एच आ रहा है तो ये जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा देखिए नंबर थ्री नंबर थ्री ऑप्शन है उसमें एच है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा